SMG गन्स और शॉर्ट गन्स दोनों में से कौन सी गन बेस्ट है? सबसे अच्छा हेडशॉट दोनों गन में से कौन सी गन से लगता है? दोनों गन में से आप कौन सी गन लेना पसंद करते हो? वीडियो को पॉज करके जाओ और कमेंट में ज़रूर बताओ कि कौन सी गन आप लेते हो, किसको लेना आप पसंद करते हो। तो ये वीडियो इसी बारे में होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हे फ्री फायर लवर्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं वो तो आपको पता ही है, लेकिन उससे पहले आपको कंपेयर का रूल पता होना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंपेयर का जो रूल होगा वो इस टाइप का होगा कि जो दोनों गन है, SMG गन और शॉर्ट गन, उन दोनों की हम रेटिंग्स भी करेंगे और इनके टोटल 6 पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, और इन 6 पॉइंट्स में दोनों गन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात होगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अपनी उंगलियों का सही इस्तेमाल करें और सब्सक्राइब के बटन को दबाएं। और इस वीडियो में मुझे चाहिए 2000 likes। आई एम जस्ट किडिंग गाइस, सो डोंट वरी, मुझे सिर्फ और सिर्फ 11 लाइक्स चाहिए, और जो एक्स्ट्रा एक लाइक है वो मैंने शगुन के लिए रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे SMG गन्स के बारे में। इसमें कौन कौन सी गन आता है वो तो आपको पता ही है, लेकिन मैं भी बता दूं, इसमें आता है MP5, MP40 और UMP और थॉम्सन, और VSS भी आता है, लेकिन वो लॉन्ग रेंज के लिए, तो इसको हम इसमें अलग कर देते हैं। और ये जो चार गन है ये SMG गन है शॉर्ट रेंज के लिए, तो इसका जो रेट ऑफ फायर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, अच्छा खासा होता है शॉर्ट गन के मुकाबले, है ना। तो उसमें आपको बहुत ही इजी हो जाता है आपको शूट करने, और बिगिनर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि बिगिनर्स को रेट ऑफ फायर वाला अगर गन मिले तो वो अच्छे से शूट कर पाते हैं, उनके लिए शॉर्ट गन हैंडल करना थोड़ा टफ होता है। तो इसमें SMG गन का प्लस पॉइंट है, तो हम इसको एक स्टार दे देते हैं। अब आते हैं शॉर्ट गन में, इसको चलाना थोड़ा टफ होता है, मतलब इसमें अगर आपने एक भी गोली मिस की तो आपका वही मोमोज बन जाएगा, वो भी मेयोनीज के साथ। तो इसमें हम शॉटगन को कोई भी स्टार नहीं देंगे। तो अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट में, इसमें हम पहले SMG गन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि SMG गन जो होती है उसका जो रेट ऑफ फायर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता ही है, तो इसका एमओ भी ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका रेट ऑफ फायर ज़्यादा होता है, इससे गोली जल्दी जल्दी बाहर निकलती है, एनिमी तक जाती है। तो इसका जो गोली है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 150 के अराउंड तो रखना ही पड़ेगा, और इतने एमओ को रखने के लिए आपको पलोमा कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अगर शॉटगन चलाते हो तो जो पलोमा कैरेक्टर है उसको स्विच करके आप उसको रिप्लेस करके किसी और अच्छे कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज़ कर सकते हो और अपने गेम प्ले को इम्प्रूव कर सकते हो। सो इसका इसमें माइनस पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट के शॉटगन के बारे में ये है कि इसमें जो आप एमओ देख सकते हो सिर्फ आप 28 और 30 के अराउंड रखोगे तो चल जाएगा, बट बहुत सारे प्लेयर्स शॉटगन की भाई 70 गोल एमओ लेकर घूमते हैं भाई, मैंने देखा है, पता नहीं उन लोग पूरे प्लेयर को मारना चाहते हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं भाई, इतनी गोली नहीं लगती है। आप अगर 28 या 30 के अराउंड रखोगे तो भी बहुत ही अच्छी ही बात है। तो इसका इसमें प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा इन्वेंटरी स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट के SMG गन्स के बारे में। तो इसको चलाने के लिए क्लोज में आपको नहीं जाने की ज़रूरत है, आप अराउंड 10 से 15 मीटर के डिस्टेंस में आप एनिमी को स्मूथली हेडशॉट मार सकते हो, आप एकदम स्मूथली मार सकते हो। लेकिन शॉटगन में ऐसा नहीं है, शॉटगन में भी हम आते हैं, तो इसमें इसका प्लस पॉइंट है, तो इसको एक स्टार मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट के शॉटगन्स के बारे में। तो शॉटगन के लिए आपको शॉट में जाना ही पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो एनिमी डाउन नहीं होगा। दूर से आपने भी देखा होगा और इस ये क्लिप में भी देख सकते हो आप कि इसका डैमेज बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन M8070 में इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप दो गोली में तो आप शॉटगन से जो भी चाहे जो भी शॉटगन है आप लॉन्ग रेंज में तो आप मीडियम रेंज में जितना MP40 या SMG गन से मार सकते हो उतना शॉटगन में नहीं मार सकते हो। तो इसमें इसका माइनस पॉइंट है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट के SMG गन्स के बारे में। तो MP40 में आपने देखा होगा और जितने भी SMG गन है उन सभी में देखा होगा कि इसमें जो अटैचमेंट होते हैं वो लगते हैं, यानी कि इसमें आपको अटैचमेंट लगाना ही पड़ेगा तभी इसकी जो एबिलिटी है वो अच्छे तरीके से इन्हेंस्ड होगी। तो इसमें जो MP40 है उसमें मज़ल को छोड़कर बाकी सभी अटैचमेंट नीडेड हैं, और जो MP5 है उसमें मज़ल और मैगजीन लगती है, और UMP में स्टॉक छोड़कर बाकी सभी चीज़ें अटैचमेंट लगती हैं, और सभी अटैचमेंट मिल जाए वो भी लेवल 2 या लेवल 3 के, ये पॉसिबल नहीं है।
तो इसका जो ये माइनस पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट के शॉटगन के बारे में बात करते हैं, तो इस चीज़ में शॉटगन जो है बड़ी सही गन है, इसमें एक चुटकी भी अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब शॉटगन मिल गई फिर आप बिंदास हो जाओ कि अटैचमेंट का कोई प्रॉब्लम होगा आपको। तो जो M1014 होती है और जो स्पास होता है सिर्फ और सिर्फ उसी में अटैचमेंट लगती है, वो भी सिर्फ एक एक M1040 में स्टॉक, और जो होता है स्पास उसमें लगती है मैगजीन। तो और जो M8070 होता है जो वन ऑफ द लेजेंड गन है, उसमें आपको कोई भी अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें इसका प्लस पॉइंट है, तो इसको 1 स्टार मिल जाता है। अब हम फिफ्थ पॉइंट के SMG गन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो पॉइंट है उसमें ये है कि अगर सामने वाले बंदे ने लेवल 4 या लेवल 5 का वेस्ट पहना है तो इसका डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं कम हो जाता है, लगभग 8 या 9 इतने ही का डैमेज देती है। तो वो आसानी से आपको मार सकता है अगर उसने लेवल 4 या 5 का वेस्ट पहना है। तो इसका ये माइनस पॉइंट है। तो अब हम फिफ्थ पॉइंट के शॉटगन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर सामने वाले बंदे ने अगर लेवल 4 या लेवल 5 की वेस्ट पहनी है तो 2 गोली मारने पर तो वो नहीं मरेगा, लेकिन आपको 3 गोली मारने की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर शॉटगन वर्सेस MP40 किया जाए लेवल 4 या लेवल 5 का वेस्ट पहनाकर, तो शॉटगन जल्दी मार देगी MP40 से अगर आप गोली मिस ना करो तो। तो यहाँ पर शॉटगन का जो है वो प्लस पॉइंट हो जाता है और इसको 1 स्टार मिलता है। अब हम लास्ट पॉइंट यानी कि 6th पॉइंट के बारे में बात कर देते हैं, और सबसे फर्स्ट पॉइंट में बात करेंगे SMG गन के बारे में। तो इसमें जो है मैगजीन लगता है, आपको पता है SMG गन्स में, और इसमें अगर लेवल 3 का मैगजीन लगा हुआ है या लेवल 2 का मैगजीन लगा हुआ है, तो जब तक आप शॉटगन से गोली बंदे को मारोगे तब तक MP40 से बंदा मर जाएगा। लेकिन इसका ये भी केस है कि आप को थोड़ा उससे दूर होना पड़ेगा, मतलब कि MP40 या SMG गन से मारने के लिए आपको बंदे से दूर होना पड़ेगा तभी आप उसको मार पाओगे। अगर आप शॉर्ट रेंज में चल जाओगे, एकदम जाके अगर घुस जाओगे तो आप शॉटगन से मर जाओगे। तो इसमें MP40 का प्लस पॉइंट है, तो इसको 1 स्टार दे देते हैं। अब हम 6th पॉइंट के शॉटगन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको पता है मैगजीन का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है स्पास को छोड़कर, और स्पास आपको हमेशा मिल जाए ये भी, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है कि आपको स्पास हमेशा मिल जाए। और जो M1014 होता है उसमें एक स्किन आती है, उसमें 8 गोली आप रख सकते हो, लेकिन बिना स्किन के तो 6 गोली ही आती है, लेकिन इसका रेंज बहुत कम होता है, तो ये इसका माइनस पॉइंट है। और जो 2 गोली वाली शॉटगन यानी कि M8070, उसमें भी 2 ही गोली आती है, ये इसका माइनस पॉइंट है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। देख तुम लोगों ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। सो गाइज आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ SMG गन और शॉटगन का स्टार जो है वो इक्वल हो गया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गन बेस्ट है। वैसे तो ये दोनों बहुत ही टक्कर की गन है, दोनों गन बहुत ही तगड़ी है, लेकिन आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप शॉटगन चलाओ, क्योंकि शॉटगन जो है वो ऐसी गन है जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते उतनी बेस्ट गन है। लेकिन उसमें ये भी शर्त है कि आप उसमें प्रो बनो। अगर आप उसमें प्रो बन गए, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करे और आप प्रो बन गए उसको चलाने में, गलती से भी प्रो बन गए, तो समझ जाओ कि आप सबसे बड़े प्रो प्लेयर हो। आप किसी भी प्रो प्लेयर को मार सकते हो, और आप हीरोइक की बात तो छोड़ ही दो, आप ग्रैंड मास्टर भी जा सकते हो अगर आप शॉटगन में प्रो बन गए तो। सो गाइज इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, आपको कौन से वीडियो देखना पसंद है, किस टाइप की वीडियो देखना पसंद है। थैंक यू वेरी मच।